संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा पार्षदों की खरीद फरोख्त कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोता खोता का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। और इनके इस तरह के तमाम कारनामों को हमारे पार्षद समय समय पर उजागर करते रहेंगे। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए, जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा जी हैं जो 88 वार्ड से पार्षद है। हमारे बीच में अरुण नावरिया जी हैं जो 166 वार्ड से पार्षद है जी हैं, जो 207 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। अब ये लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जो इनके साथ घटित हुआ वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको अप्रोच किया गया, किस तरीके से इनको धमकाया गया। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति, वो शर्मा जी को फोन करता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करेंगे। और आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास, और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है, यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोका भारतीय खोका पार्टी ने निर्धारित किया है। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अरुण नावरिया और इनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से धमकाया जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, और किस तरीके से ज्योति जी को अप्रोच किया गया और उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाने का प्रयास किया गया वो भी अपनी बात रखेंगे।